प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत गद्य खंड के अंतर्गत जो हमारा पाठ का शीर्षक है, पाठ है भारतीय संस्कृति, जिसको हमारे देश के कर्मठ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। वो अपनी बात को व्यक्त करते हुए कहते हैं, दूसरी बात जो इस संबंध में विचार करता हूं या हमारे विचार धारणा के अंतर्गत है, वो ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश की प्राण शक्ति है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे नाना प्रकार के वर्ग और जातियां आपस में एकता के सूत्र में पिरोई हुई है। जहां उनमें और सब तरह की अलगाववादता है, वहां उन सब में यह एकता दिखाई पड़ती है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से महात्मा गांधी ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का अवलंब बनाया था या सहारा ग्रहण किया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलन के लिए प्रेरित हो गया, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज तमाम प्रकार के अनैतिक कार्य करते थे, क्योंकि उन्हीं से तो ये वो शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा, क्योंकि वास्तव में काफी समय गुजर चुका था, लेकिन महात्मा गांधी के आंदोलन इसीलिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। जन साधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में बापू की दूरदर्शिता काफी सार्थक सिद्ध हुई और इसी में उनकी सफलता मिली उनके द्वारा, क्यों महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग से हमारे देश को जो परतंत्रता थी वो स्वतंत्रता प्राप्त। मैं तो यही समझता हूं, विचार करता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करती, मैं सोचता हूं कि जो हमारे देश में बाहरी शक्तियों के द्वारा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, अब वो पुनरावृत्ति हमारे देश में नहीं होगी, अन्याय और अत्याचारी हमारे देश में नहीं प्रवेश कर सकेंगे, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते रहे हैं। तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना मुख्य न होकर के व्यक्तिगत त्याग और समाज कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए, मतलब जन कल्याण की भावना से आर्थिक जगत में जो व्यापार करते हैं उनमें जन कल्याण होना चाहिए।
वैयक्तिक स्वार्थों इस तत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक व्यक्तिगत कर्तव्यों सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमारा भाव सेवा पर होना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। तराजू क्या है? सत्य और अहिंसा, प्रेम और दया। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना छिपी होती है उस वो वास्तव में बड़ी प्रभावशाली होती है और परिणाम भी अधिक देखने में। क्रिया का रूप एक ही क्यों हो, एक छोटे से उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है। एक सम्मिलित परिवार की कहानी। प्रत्येक व्यक्ति का इस नैतिक भावना से काम करना चाहिए कि उसका कर्तव्य हो कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख मिले और प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह शक्ति का प्रदर्शन करके जितना भी उपार्जन किया जाए करे। सबका सामूहिक उपार्जन स्वीकार कीजिए कि एक रकम होती है, एक धनराश होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो सकती। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक मतलब धनोपार्जन करना चाहिए और उसका प्रयास करना चाहिए। तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना ही होता है जितना प्रथमोक्त पहले कहा गया कही गई स्थिति में सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक में बराबर ही सुख प्राप्त होगी। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं समाये, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और दूसरे में संघर्ष जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही करता है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है, अनुमान है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्व अंगीकार स्वीकार करके बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वो व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश के बीच का हो, वो बना रहेगा। उसकी स्थिति वर्तमान में वैसे ही बने रहेगी। बच्चों, हम ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। देखी सर कहा।